नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। नगर पालिका चुनाव सिवनी मालवा के पूरे हो चुके हैं, मतदान हो गया है। मतदान का प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा रहा है, 80% से अधिक मतदान सिवनी मालवा नगर पालिका के 15 वार्डों में हुआ है। इसके लिए आज हम मतदान के बाद वार्डों की जो स्थिति है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। संभावित किस पार्टी के कितने उम्मीदवार पार्षदी जीत रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बतला देते हैं वार्डों की स्थिति कि किस वार्ड से किस पार्टी के कितने लोग चुनावी मैदान में हैं। अब हम बात करें वार्ड नंबर 1 की, तो यहाँ पर भाजपा से श्रीमती अखिलेश चौकसे, कांग्रेस से श्रीमती भागवती जायसवाल, नागरिक मोर्चा से सरजू बाई, शिवसेना से सुल्ताना बी, आम आदमी पार्टी से श्रीमती संध्या मालवी सहित निर्दलीय उम्मीदवारों में आरती जैन, गायत्री कलोसिया, लक्ष्मी राठौर चुनावी मैदान में थीं। वहीं वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती मालती कौर, कांग्रेस की श्रीमती रश्मिता यादव सहित निर्दलीय उम्मीदवारों में श्रीमती शरिता अग्रवाल, श्रीमती बिंदु गावरी चुनावी मैदान में थी। वार्ड नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी के रितेश रिंकू जैन, कांग्रेस के संजय दुबे सहित निर्दलीय अंकित तामुलकर चुनावी समर में थे। वार्ड नंबर 4 से भारतीय जनता पार्टी के विजय उदिया, कांग्रेस के श्रीमती रचना लहरी, नागरिक मोर्चा के ज्ञानचंद गार्गो सहित शिवसेना के अनिल जखनोदे चुनावी मैदान में थे। वार्ड नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती प्रीति शुक्ला, कांग्रेस से श्रीमती रानी सोनी और नागरिक मोर्चा से श्रीमती रेखा शर्मा चुनावी मैदान में थी। वार्ड नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से कैलाश लोवंशी, कांग्रेस से श्रीमती सावित्री यादव, नागरिक मोर्चा से हर्षित शर्मा, शिवसेना से योगेश राठौर सहित निर्दलीय उम्मीदवारों में अवतार सिंह मौर्य, कमल किशोर कौशल, प्रशांत यादव, नितिन गुहा, विनोद वर्मा चुनावी मैदान में थे। वार्ड नंबर 7 से श्रीमती गीता कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से थीं, कांग्रेस से श्रीमती शरदा कुशवाहा सहित अन्य निर्दलीयों में उषा सोनी और कविता कुशवाहा चुनावी मैदान में थी। वार्ड नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती रेखा शर्मा, कांग्रेस से श्रीमती अनुराधा दीक्षित, नागरिक मोर्चा से श्रीमती सुमित्रा वर्मा, आम आदमी पार्टी से श्रीमती रंजनी केवट सहित निर्दलीय उम्मीदवारों में श्रीमती सीमा पवार और श्रीमती वर्षा कुशवाहा चुनावी मैदान में थे। वार्ड नंबर 9 की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ईश्वरदास जमीदार, कांग्रेस से सुशील शारला, शिवसेना से राजेश राठौर चुनावी मैदान में थे। वार्ड नंबर 10 की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से दुर्गेश उइके, कांग्रेस से राम सिंह भिलाला, शिवसेना से नवीन कुंबरे सहित अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों में अनुज वर्मा और सुरेश उइके चुनावी मैदान में थे। आखिरी समय पर सुरेश उइके ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया था। वार्ड नंबर 11 से भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती स्वाति गौर, कांग्रेस की श्रीमती मीता नागेश्वर, नागरिक मोर्चा की शीला जलखर चुनावी मैदान में थी। वार्ड नंबर 12 की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सुरैया बी, कांग्रेस से श्रीमती सुनीता सूर्यवंशी, नागरिक मोर्चा से श्रीमती फेमिदा बी, शिवसेना से मेहरुनिशा चुनाव में मैदान में उतरी हुई थी। वार्ड नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती किरण राठौर, कांग्रेस से सलमा बी, नागरिक मोर्चा से श्रीमती रानी मल्ला और शिवसेना से लता बाथव चुनावी मैदान में थी। वार्ड नंबर 14 की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से राजेश बाथव, कांग्रेस से मनीष बाथव, नागरिक मोर्चा से दीपक बाथव और शिवसेना से हरिओम राठौर चुनावी मैदान में थे। वार्ड नंबर 15 की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र मिश्रा, कांग्रेस से अजय पटेल, नागरिक मोर्चा से प्रमोद खंडेलवाल और शिवसेना से इमरान खान चुनावी मैदान में थे। यह तो हुई चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की बातें कि किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी किस वार्ड से चुनावी मैदान में था। मतदान के बाद की जो स्थिति बनी हुई है वार्ड नंबर 1 ये रही कि कुल 1517 मतदाता इस वार्ड में थे, जिनमें से 1318 मतदाताओं ने अपना वोट डाला है।
777 पुरुष मतदाता थे, जिसमें से 691 पुरुषों ने अपना वोट डाला है, तो वहीं 740 महिलाओं में से 627 महिलाओं ने इस वार्ड में अपना वोट डाला है। वोटिंग का प्रतिशत वार्ड नंबर एक का 86.33 रहा। वार्ड नंबर दो की बात करें तो यहाँ 1655 में से 1312 मतदाताओं ने अपना वोट डाला है। 843 पुरुष मतदाताओं में से 708 पुरुषों ने वोट डाला है, तो वहीं 812 महिलाओं में से 604 महिलाओं ने अपना वोट डाला है। वोटिंग का प्रतिशत वार्ड क्रमांक दो का 79.20 रहा है। वार्ड नंबर तीन की बात करें तो यहाँ 1540 में से 1306 लोगों ने अपना वोट डाला है। 796 पुरुषों में से 687 ने वोटिंग करी है, तो वहीं 744 महिलाओं में से 619 महिलाओं ने वोट करी है। वार्ड नंबर तीन का वोटिंग प्रतिशत 84.74 रहा है। वहीं वार्ड नंबर चार की बात करें तो यहाँ पर 1640 में से 1331 लोगों ने वोट डाला है। 833 पुरुषों में से 710 ने वोट डाला है। 807 महिलाओं में से 621 महिलाओं ने वोट डाला है। यहाँ का वोटिंग प्रतिशत 81.07 रहा है। अब हम बात करते हैं वार्ड नंबर पाँच की। यहाँ 1428 मतदाताओं में से 1152 मतदाताओं ने अपना वोट डाला है। 727 पुरुषों में से 605 पुरुषों ने वोटिंग की है, तो 701 महिलाओं में से 547 महिलाओं ने वोटिंग की है। वार्ड नंबर पाँच का वोटिंग प्रतिशत 80.80 रहा है। वार्ड नंबर छः, जहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, यहाँ पर 1295 मतदाताओं में से 1112 मतदाताओं ने वोट डाला है। 652 पुरुषों में से 574 पुरुषों ने वोट डाला है, तो वहीं 643 महिलाओं में से 538 महिलाओं ने वोट डाला है। वार्ड नंबर छः का वोटिंग प्रतिशत 85.84 रहा है। वार्ड नंबर सात की बात करें तो यहाँ 1555 मतदाताओं में से 1296 मतदाताओं ने वोट डाला है। 797 में से 680 पुरुषों ने वोट डाला है, तो वहीं 758 महिलाओं में से 616 ने वोट डाला है। वार्ड नंबर सात का वोटिंग प्रतिशत 83.35 रहा है। वार्ड नंबर आठ में 1605 मतदाता थे, जिनमें से 1169 ने वोट डाला है। 810 पुरुषों में से 619 ने वोट डाला है। 795 महिलाओं में से 550 महिलाओं ने वोट डाला है। यहाँ वोटिंग का प्रतिशत 72.71 रहा है। अब हम बात करते हैं वार्ड नंबर नौ की। यहाँ पर 1462 मतदाता चुनावी में वोट डालने के लिए थे, तो यहाँ पर 1167 मतदाताओं ने वोट डाला है। 751 पुरुषों में से 619 पुरुषों ने वोट डाला है। 711 महिलाओं में से 548 महिलाओं ने वोट डाला है। यहाँ का वोटिंग प्रतिशत 79.80 रहा है। वार्ड नंबर 10 की बात करें तो यहाँ 1632 में से 1217 लोगों ने वोट डाला है। 1822 पुरुषों में से 641 पुरुष और 810 महिलाओं में से 576 महिलाओं ने वोट डाला है। वार्ड नंबर 10 का वोटिंग प्रतिशत 74.48 रहा है। वार्ड नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता 1349 थे, जिसमें से 1078 ने अपना वोट डाला है। 682 पुरुषों में से 548 पुरुष और 667 महिलाओं में से 520 महिलाओं ने वोट डाला है। यहाँ का वोटिंग प्रतिशत 80.12 रहा है। वार्ड नंबर 12 की बात करें तो यहाँ 1340 मतदाताओं में से 1044 मतदाताओं ने वोट डाला है। 693 पुरुषों में से 594 पुरुष और 647 महिलाओं में से 450 महिलाओं ने वोट डाला है। यहाँ का वोटिंग प्रतिशत 78.05 रहा है। वार्ड नंबर 13 में 1617 मतदाताओं में से 1377 मतदाताओं ने वोट डाला है। 825 पुरुषों में से 734 पुरुष और 792 महिलाओं में से 643 महिलाओं ने वोट डाला है। वार्ड नंबर 13 का वोटिंग प्रतिशत 85.11 रहा है। वार्ड नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर 1479 वोटर थे, जिसमें से 1275 ने वोटिंग की है। 742 पुरुषों में से 712 पुरुषों ने वोट डाला है। 730 महिलाओं में से 558 महिलाओं ने वोट डाला है। यहाँ का वोटिंग प्रतिशत 86.21 रहा है। वार्ड नंबर 15 की बात करें, यहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता थे, यहाँ पर 1930 मतदाता थे, जिनमें से 1545 मतदाताओं ने वोट डाला है। 1029 पुरुष मतदाताओं में से
83 मतदाताओं ने वोट डाला है, 901 महिलाओं में से 762 महिलाओं ने वोट डाला है। यहाँ का वोटिंग प्रतिशत 80.12 रहा है। ये तो रही वोटिंग की स्थिति। अब अगर हम बात करें कि चुनावी समर में राजनीतिक दलों सहित निर्दलियों की क्या स्थिति रहने वाली है, तो इसके लिए लगातार हमने सिवनी मालवा के सभी 15 वार्डों में घूमे हैं। 15 वार्डों के रहवासियों से जगह जगह चर्चा की है, उनका रुख जाना है, मुद्दे जाने हैं कि किन मुद्दों का चुनाव है, पार्षद उम्मीदवार से क्या उम्मीदें हैं, पिछले पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा था, जो पार्षद इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं तो उनके खिलाफ क्या माहौल है, उनके पक्ष में क्या माहौल है। साथ ही सभी दलों के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उनका आपसी आकलन क्या है, कौन कितना मजबूत है कितना कमज़ोर है, सहित आपसी गुटबाजी और ताकत के बारे में भी हमने आकलन किया है। इस आकलन के हिसाब से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 15 वार्डों में से 4 से 7 वार्ड जीत पा रही है, तो वहीं कांग्रेस की स्थिति भी यही बनी हुई है, कांग्रेस के भी 4 से 7 वार्ड आ सकते हैं। इन सब के बीच किंग मेकर की जो स्थिति है वो निर्दलीय उम्मीदवारों की रह सकती है। नागरिक मोर्चा भी इन निर्दलियों में शामिल है। नागरिक मोर्चा के उम्मीदवार 2 से 4 चुनावी जीत हासिल कर सकते हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी समर में इस बार सिंबल के साथ उतरी है, 2 उम्मीदवार 15 वार्डों में उतरे हैं, उनकी स्थिति अभी उतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो वहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनकी स्थिति 0 से 1 है। तो एक बार फिर हम बता दें कि हमारा जो एग्जिट पोल है इसके अनुसार सिवनी मालवा नगर पालिका में त्रिशंकु नगर पालिका परिषद बन रही है, जिसमें निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार किंग मेकर साबित होंगे। यह निर्दलीय उम्मीदवार निर्दलीय पार्षद जिस पाले में चले जाएंगे उस पाले की नगर पालिका परिषद बन जाएगी। हम वार्डों के अनुसार भी आपको आकलन दे सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल और आकलन 100% सटीक नहीं होता है, इसलिए हम यह सब आकलन देने से बच रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट कर दें कि कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव जीत रहे हैं, तो कई मुश्किलों में फंसे हुए हैं, तो कुछ की स्थिति थोड़ी सी खराब बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही है। नगर पालिका में परिषद और अध्यक्ष बनाने के लिए लगभग 8 पार्षद चाहिए 15 पार्षदों में से, वहां तक ना तो भारतीय जनता पार्टी पहुंच पा रही है ना ही कांग्रेस की स्थिति अभी उस तरफ नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी के जो पार्षद हैं वो 4 से 7 पार्षद तक जीत सकते हैं। दोनों ही पार्षदों पार्टी के जो पार्षद हैं अगर परिषद बनाने के लिए दोनों ही पार्टी लगती हैं तो उन्हें निर्दलीय उम्मीदवारों का भरोसा जीतना पड़ेगा। अब देखते हैं 20 जुलाई को अंतिम परिणाम आ जाएगा, मतगणना हो जाएगी, उसके बाद बिल्कुल सटीक स्थिति बन जाएगी। हमारा एग्जिट पोल कितना सटीक बैठता है यह तो आने वाली 20 जुलाई ही बताएगी। हमारा ये पहला प्रयास है, पहला एग्जिट पोल है। आने वाले समय में देखते हैं यह एग्जिट पोल कितना सटीक होता है।